आइए आज हम दिखाएंगे दोस्तों कि नया शर्ट में पॉकेट मतलब जेब किस तरह से लगाया जाता है, सामने सामने पोजीशन। दोस्तों दोस्तों मेरे चैनल में आप लोग नए जुड़ने के लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो कॉमेंट भी कीजिएगा। पहले हम आपको दिखाएंगे कि शर्ट नया शर्ट जो बनाते हैं वो पॉकेट मतलब पॉकेट का क्या फर्म क्या सिस्टम है, क्या नाप जो है किस आधार पर क्या कितना पॉइंट है, कितना आपका बॉडी में कितना लंबा चौड़ा चाहिए, ये सब आज फॉर्मूला आपको दिखाएंगे और सिलाई करके भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको सिलाई करने में सुविधा रहेगा, आपका नॉलेज मिलेगा। दोस्तों आइए सीधा मशीन की ओर। दोस्तों देखिए दोस्तों ये जेब है, इस जेब को हम पॉकेट को क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम लोग क्या आयरन से मोड़ लिए हैं। दोस्तों देखिए इसका लंबाई कितना होना चाहिए, इसका लंबाई है 5 इंची, 5 इंची एक सूता लंबाई है या 2 सूता भी आप ले सकते हैं या और 4.5 इंची या 4.5 इंची एक सूता चौड़ाई होना चाहिए दोस्तों पॉकेट, ठीक है। ये 32 इंची 34 इंची के लिए ये पॉकेट का साइज है दोस्तों। अब देखिए यहाँ काटिंग जो किया गया है, यहाँ से कितना दूरी मतलब नीचे कितना दूरी होना चाहिए, यहाँ से 8 इंची दूरी होना चाहिए दोस्तों। देखिए 8 इंची पे दाग दे दिए और इधर से कितना होना चाहिए ये देखिए, इधर से हमको इधर चाहिए, इधर से 2 इंची या 2.25 इंची, आप 2.25 इंची भी ले सकते हैं, 2 इंची भी ले सकते हैं दोस्त, ठीक है ठीक है। ये पॉइंट दाग दे दिए आप देखिए यहाँ से जितना दागी लिए हैं ये कितना है, 2.25 इंच लिए। तो इसी तरह जो नया सीख रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि ये समान होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी आप 2.25 इंची का पॉइंट मार देते हैं। मारने के बाद अब लगा दिए, अब इस तरह से पॉकेट बैठेगा देसी, तो इस तरह से पॉकेट बैठेगा। इस सिलाई करने के पहले क्या करना पड़ेगा, ये कपड़ा जो है इसको एक बार हम सिलाई इस तरह सिलाई कर लेंगे, एक बार सिलाई इसको मैंने बैठा लेंगे, सिलाई कर लेंगे तो क्या होगा कि पॉकेट का मुंह जो है बैठ जाएगा। ये सिलाई हो गया, आप इसको अच्छे से काट लिए, आप इसको बैठाना है दोस्तों। देखिए ये हो गया सिलाई, अब इसको इसके ऊपर बैठाना है, ये जैसे फूल गया है थोड़ा सा, इसको कांजी से हम ठोक लेंगे, ठीक है मोड़ा मोड़ जाएगा। ये आयरन से पहले हम मोड़ चुके हैं, अब इस तरह से देखिए इस तरह से पूरा बैठा लीजिए, इसमें चेक तक नहीं है इसलिए कोई टेंशन नहीं, चेक वाला थोड़ा ध्यान करके देना पड़ेगा। ये जैसे आप पॉकेट को हम देखिए पूरा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्या कि जेब शर्ट में पॉकेट बहुत मैंने पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कि किस तरह से ये फ्रंट में सामने रहता है, इसलिए ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये साफ़ सुथरा होना चाहिए। देखिए पॉकेट इधर से सिलाई शुरू होता है दोस्तों, देखिए किस तरह से सिलाई शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ से एक चाप एकदम किनारे किनारे, एक चाप नहीं दीजिएगा, एकदम किनारे किनारे सिलाई, ये सिलाई तक आना चाहिए, ये सिलाई तक आएगा फिर आप इधर घुमा दीजिए, फिर शर्ट को इस तरह से घुमाइए, यहाँ डबल सिलाई हो जाएगा, देखिए ये सिलाई आपका डबल हो जाएगा। और कोशिश कीजिए जो सिलाई का टाक है उसी टाक 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 ही में रहे, आगे पीछे इधर उधर दाएं बाएं मत कीजिए, ताकि क्या होगा वो देखने में ख़राब लगेगा, जहाँ जहाँ सिलाई का टाक गिरा मैंने गिरा है वहीं पर कोशिश कीजिए उसी नाप से और सिलाई देने के लिए, तो बहुत अच्छा और खूबसूरत लगेगा। और यहाँ इधर दो टाक मारिएगा, मारने के बाद अब इसको टेपर टेपर यहाँ मिला देना है, टेपर से मिला दीजिए, ताकि ये एक बार देखने में ये भी अच्छा लगेगा, इस तरह मिला दीजिए। मिलाने के बाद अब किनारे किनारे पूरा समूचा सिलाई घुमा दीजिए, इस तरह से एकदम किनारे किनारे घुमाइए, ठीक किनारे किनारे एकदम ठीक से घुमाइएगा, समान समान दूरी होना चाहिए और टेढ़ा मेढ़ा मत कीजिए, टेढ़ा कीजिएगा तो खोल करके फिर दोबारा कोशिश कीजिएगा दोस्तों, एक बार में यदि गड़बड़ हो रहा है तो हम लोग तो जैसे अभी ये सब एक ही बार में हो रहा है, आपका नया जो सीख रहे हैं यदि एक बार में नहीं हो रहा है तो खोल करके कीजिएगा, ताकि क्या होगा ये खूबसूरत होगा। और सफ़ेद कपड़ा में जब भी काम कीजिएगा दोस्तों हाथ साफ़ सुथरा होना चाहिए, यानी इस नहीं तो हाथ में हल्का सा आपका पसीना आएगा तो क्या होगा वह दाग आ सकता है, इसलिए सफ़ेद कपड़ा में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग, और खोलिएगा तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पर भी उसी तरह दो टाक लगाइए, लगाने के बाद इस तरह से टेढ़ा से इसको फिर मिला दीजिए, जैसे ही मिल जाता है फिर इसको आगे इधर घुमाइए, घुमाने के बाद इसको फिर यहाँ पर आगे थोड़ा टाक दीजिएगा, आगे पीछे कर दीजिएगा तो क्या होगा बस ये लॉक हो गया। लॉक होने के बाद सूता को देखिए, सूता भी इस तरह से काटिएगा, भाई कांची ज़्यादा खोलिए नहीं, ठीक है कांची का नोक ज़्यादा खोलिए नहीं ये तो, ठीक। देखिए दोस्तों ये जेब बनकर रेडी हो गया, ये बनकर रेडी हो गया। देखिए सिलाई यहाँ किस तरह सिलाई दिया गया है इसको थोड़ा चेक कीजिए, यहाँ से शुरू किया है,
शुरू किया है ना, यहाँ डबल हुआ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से शुरू किया है, इधर आया फिर पीछे गया फिर इधर इस तरह से पूरा चारों तरफ हम इसको घुमा दिए, फिर यहाँ पर डबल मार दिया, हो गया दोस्तों ये पॉकेट पॉकेट हो गया। आप लोग भी इससे ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। दोस्तों आज आज इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिला यानी सीखने को मिला कि नया शर्ट का जेब पॉकेट जिसको बोलते हैं फ्रंट में, वो किस तरह से बनाया जाता है, क्या क्या फॉर्मूला है, क्या नाप जोख है, सब बता दिया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरा वीडियो फिर लाऊंगा, फिर आप लोगों को नया चीज़ कुछ लगा दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हर चीज़ का पेन का अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, शर्ट का अलग से और कुछ अन्य जानकारी जैसे वहाँ पर भी कुछ बिजली बिल और ये सब कुछ दिया गया है, वो सब भी आप लोग जा करके ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।